ये हमने कद्दू से बनाया है पकाकर, जो हाँ पहले तो हरा होता है वो बाद में हाँ पीला ठीक, उसको पका के आज काटा, तब उसके बाद उसको बॉयल उबाला, किया। आधे ठीक, ऐसे किया। ये और बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब जिसको जिसकी। गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, सो फिर से स्वागत है आपका इस नए दिन के नए ब्लॉग में और मेरे गांव देवर से। और जैसे कि आज मतलब सविना भी है और दादी का लिंगवास भी है, सो अभी हम मतलब धारे में जा रहे हैं, वहाँ नहाना नुहाना है और मतलब जो भी कार्यक्रम होगा वो आपको आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। और दोस्तों आज होता ही है कि मतलब पापा को तो फिर से मतलब पूरे बाल बुल बनाने पड़ेंगे, और जिन्होंने बाल बना रखे हैं वो दाढ़ी बनाएंगे और मूछ छोड़ेंगे। कुल मिला के आज से हम शुद्ध हो चुके हैं और आगे का कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। और साथ ही में पंडित जी भी आ रखे हैं, तो जो भी क्रिया विधि होगी वो आपको आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगी, तो आप ब्लॉग में बने रहें। सो दोस्तों अभी हम धारे में पहुंच चुके हैं और ये हमारा पौराणिक धारा, और यहीं पे मतलब पानी पुनी आता है, तो और यहीं पे बाल पुल बनाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे पंडित जी भी आ चुके हैं और अपना मतलब कार्यक्रम पूजा पाठ जो भी होती है वो शुरू करने बैठ चुके हैं। और अभी यहाँ पे मतलब पिंड मनाए जाते हैं, जो भी मतलब मैंने भी देखा है, बाकी जो भी क्रिया विधि होती है वो आप ब्लॉग में देख सकते हो। और ऐसे ही कुछ तरीके से हमारे पहाड़ों में ये लिंगवास और तेरहवीं की पूजा की जाती है, जो कि आप देख सकते हो। और अभी यहाँ पे दाढ़ी बाल बना रहे हैं, इसके बाद स्नान उस्नान करेंगे और उसके बाद आगे की क्रिया होगी और उसके बाद शुद्ध हो जाएंगे और अब खाना खुना बनाने की तैयारी भी करेंगे घर में। यहाँ पे बड़े भाई को साउथ से बुला रखा है अदरक काटने के लिए। कतर हुंदा हो अलियो अदरक काटने का कुछ टेंशन नहीं हो सके छुटकी पर हल्दी डाल लेगा लहसुन का पेस्ट डाल ले खाना फेमस है से काम करता जी। सो दोस्तों यहाँ पे मैडम जी अभी अदरक हो गया लहसुन हो गया इनको मतलब सिलवटे में पीस रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हार्ड है और मिक्सी में पिसेगा नहीं, तो इसको बारीक पेस्ट बना रही है सिलवटे में। और दोस्तों ये हमारी पहाड़ी रसोई, मतलब पहाड़ों में जब भी बड़े बड़े काम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, तो बाहर ही पे चूल्हे लगाए जाते हैं और कुछ इस प्रकार से खाना बनाया जाता है। और ये खाना बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब आप देख सकते हो एकदम आग में ये बन रहा है और अच्छे से सब्जी बननी है अभी, उसके बाद चावल बन चुके हैं और परिसर में उस वाले में दाल लगी है, ये आप देख सकते हो, और बड़ी भाई लगे हैं। सो दोस्तों ये बन रहा है पहाड़ी रायता, इसको बोलते हैं हमारी भाषा में रेठा। और ये है कद्दू, पहाड़ी कद्दू, इसको पहले बॉयल किया जाता है, उसके बाद इसको निकाला जाता है। और ये इसके बाहर के कवर है इसका बाहर का, और ये है शुद्ध पहाड़ी नमक ये, और इसमें मिलाएंगे अब छाँस मट्ठा। और ये हमने कद्दू से बनाया है पकाकर, हाँ जो पहले तो हरा होता है वो बाद में पीला ठीक, उसको पका के आज काटा, तब उसके बाद बॉयल किया। ठीक, आदमी ऐसे किया ये, और बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब जिसको जिसके पेट में गर्मी होती है तो ये दूर कर देता है, जैसे मेरे पेट में आजकल गर्मी और किया है तो एक दो। और दोस्तों रायता बन चुका है और अब इसमें हरा हरा धनिया मिलाया जा रहा है, जो कि इसको और भी स्वादिष्ट बनाएगा। और ये धनिया भी हमारे पहाड़ का है, मतलब अपने खेतों में उगाया हुआ, और बहुत ही टेस्टी हो रहा है, और इसकी खुशबू मतलब एकदम नेचुरल खुशबू है। तो ये रायता मतलब तैयार हो चुका है और उसके बाद अब खाना खाना शुरू कर देंगे, थोड़ा ये अच्छे से बन जाएगा, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद अब खाना खाना मतलब स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में हर चीज़ एक तरीके से होता है,
अभी मतलब खाना खुना बनाया और अभी मतलब खाना खा रहे हैं, तो एक तरीके से खाना खा रहे हैं और एक साइड महिलाएं बैठी हैं, एक साइड छोटे बच्चे और बड़े बच्चे हैं बैठे हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, आप देख सकते हो। सो दोस्तों, यह है पहाड़ी रेठू, भाई चखेंगे इसको, कि हमारे शुभ कार्य में भी काम आता है, जिससे मतलब इसमें हमने पहाड़ी चूरा, धनिया हो गया, छाछ हो गई, सबसे पहले कद्दू, कद्दू हो गया, पहाड़ी कद्दू, और इसका स्वाद आहा दोस्तों, मजा ही कुछ और है। थोड़ा चक्के बताएंगे, लाजवाब, वाह बिल्कुल लाजवाब। और दोस्त लोग कोई बोलना चाहेंगे रेट आगे? यहाँ पे मैठानी भाई जी कुछ कहेंगे? अभी खाने में व्यस्त है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डायरेक्टर मुकेश भाई। हेलो गाइस, आज यहाँ पे जो है दादी जी का जो है आज देर भी है, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है भोजन की व्यवस्था की हुई है, और भोजन में हमारा जो है यहाँ पे पहाड़ में जो है दाल चावल सब्जी सलाद पापड़ सभी जो है बड़ी मेहनत से सभी भाई बहनों ने मिलजुल के खाया, और यहाँ पे सभी लोगों को जो है भोजन कराया जाता है, सभी थोड़ा आनंद लेते हैं। इसमें पहाड़ी रायता हो गया, ककड़ी हो गया, मूली हो गई। सो दोस्तों, फाइनली आज का कार्यक्रम भी अच्छे से निपट चुका है, बाकी बर्तन बर्तन साफ कर लिए हैं, और आज के ब्लॉग को अब यहीं तक रुकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।